जो सेमिनार आप लोग देख पा रहे हैं, इसके पीछे लगभग पिछले 3 साल की एक भूमिका है, जिसका ये एक भाग है। मूल रूप में हमने जब ये प्रश्न कुछ उठे थे, ये प्रश्न तब उठे थे जब JNU की घटनाएं घटने लगीं और इतिहास को टटोला जाने लगा, और तब हमारे देखने में आया कि हिंदू का इतिहास हमें कहीं मिल नहीं रहा। इतिहास के नाम पर या तो हमें मुगलों का इतिहास मिलता है, या हमें वैदिक इतिहास मिलता है, या फिर हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री, वह मिलता है, लेकिन हिंदू का इतिहास कहाँ है, ये बड़ा एक कठिन सी बात हो गई। इसलिए उस हिंदू के इतिहास को खोजने के लिए हमने लगभग 2 सेमिनार ICHR से स्पॉन्सर्ड किए, और उसमें भी कोई निष्कर्ष हमारे पास नहीं निकला। उसके बाद हमने फंड्स अरेंज किए, और एक इसके ऊपर एक तरह से कि अगर हम कोई बुक छाप सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, वो भी इनवाइट किए थे, लेकिन वो भी हमारे से कोई बात ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। तीसरा, हमने फिर प्रयास किया कि एक वर्कशॉप लगाते हैं, जो अभी लगभग 6 महीने पहले हिंदू इतिहास लेखन को लेकर के एक वर्कशॉप भी आयोजित की थी, और उसके लिए मैं प्रोफेसर राजीव लोचन जी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उनकी अध्यक्षता में किया था, और उनकी गाइडलाइंस में हम लोगों ने काम किया था, और वो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा था, जिसमें हमने लगभग 20 हिस्टोरियंस को बुलाया था, कॉलेजेस के और अन्य लोगों को, और संस्कृत के लोग भी थे, क्योंकि संस्कृत और हिस्ट्री का बड़ा गहरा संबंध है, और कई बार बड़ी अजीब स्थितियाँ हो जाती हैं जब आप ये देखते हैं कि संस्कृत के शब्दों के अर्थों को जाने बिना जब हिस्टोरियन उनके अपने मनमाने अर्थ कर देते हैं, तो बड़ा विचित्र लगता है। जैसा कि हमारा एक अनुभव भी रहा संस्कृत विभाग का, नेशनलिज्म पे जब एक सेमिनार किया था, तो उसमें हरियाणा के एक बहुत प्रसिद्ध जो इतिहासकार रहे हैं, प्रोफेसर KL टुटेजा जी, उन्होंने उसमें जो राष्ट्र शब्द का अर्थ किया, जब वैदिक शब्दों के अर्थों पे बात चल रही थी नेशनलिज्म की, तो उन्होंने वो अर्थ किया कि वो उसका मतलब गांव था। और जब हमने उनसे पूछा कि आप राष्ट्र का अर्थ गांव कैसे कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है और किस आधार पर कर रहे हैं, तो वो केवल एक जो विद्वत्ता अपने जो एक नाम होता है उसका जो उन्होंने अपना वेट देने के साथ हमारा प्रश्न दबा दिया, वो थोड़ा सा अजीब लगा। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे देखने में आई कि इतिहासकार संस्कृत के शब्दों के साथ किस तरह का अनाचार करते हैं। और ये बात हमें और भी ज़्यादा स्पष्ट हुई जब CBSE की क्लासेस को देखने लगे, CBSE की लिखी हुई जो हिस्ट्री देखने लगे, तो ये बात तो बड़े भयंकर रूप में उभर कर आई। भयंकर शब्द में बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी गलतियाँ की हुई हैं, इस तरह से मिस इंटरप्रटेशंस की हुई हैं। पीयूष जी, आप अपनी स्लाइड शेयर मत कीजिए, पीयूष जी अपनी स्लाइड को आप विड्रॉ कीजिए प्लीज। तो इस सिलसिले में जो है वो हमारे साथ कई तरह की समस्याएं हुई। फिर इसके बाद हमने 3 अभी लेक्चर्स किए थे, सेमिनार्स किए थे, और उसमें हमारे सामने ये कठिनाइयां आई कि जिसमें नीरज अत्री जी ने जो है CBSE की किताबों में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ किया गया है, उसको उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया है। आधी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हिंदुओं के खिलाफ, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए और अन्य लोगों के खिलाफ किस तरह से साजिशन CBSE की किताबों में वो शब्द और अर्थ भर गए हैं। इसलिए जो पिछला सेमिनार था हिंदू हिस्ट्री के ऊपर, उसमें लैंग्वेज, फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर हमने 3 दिन के सेमिनार वो किए थे। उसी सिलसिले में आज का ये सेमिनार है जिसमें आप सभी लोग जुड़े हैं, और मैं इसमें 2-3 बातें बड़ी जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करके मुख्य वक्ता को मैं आमंत्रित करूंगा आज के। हिंदू को लेकर के जब से ये खोज हम कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 बातें रही हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, आप हिंदू किसको मान रहे हैं। एक हिस्टोरियन होने के नाते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन होने के नाते, आप हिंदू मानते किसको, क्या दासपद से हिंदू पता लगता है,
द्रविड़ शब्द से हिंदू पता लगता है, आर्य या अनार्य कौन सा हिंदू होता है। फिर उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप स्लाइड के ऊपर ध्यान दें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हु इज़ नॉट मुस्लिम और क्रिश्चियन ईटीसी, वो हिंदू है। इससे आपको क्या समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की इस परिभाषा से। फिर इसी के नीचे अगर आप देखें तो एक परिभाषा हमें मिलती है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो भी बीच में रहता है वो हिंदू होता है। मुझे नहीं लगता है कि इसके साथ बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग सहमत होंगे। फिर तीसरी ओर जो हमें, और जो इसका एक रूप हमें मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ तो हिंदू नहीं हो सकता क्योंकि कोई निश्चित पुस्तक आपकी हो, कोई निश्चित आपके विश्वास हो, कुछ इस तरह की बात हो, फिर तो वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, सिखिज्म वे ऑफ लाइफ है, बाकी सारे वे ऑफ लाइफ हो सकते हैं। और तीस एक जो चौथी बात है इसमें, एक समस्या जो हमें और लगती है कि सिंधु से जब आप हिंदू बनाते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रचलित मत है, तो आप साउथ को उसमें कैसे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सिंधु नदी तो इधर की ओर ही रह गई, तो साउथ का सारा जो है उसको कैसे इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिंधु को लेकर के हमारे सामने कुछ एक प्रश्न थे। स्लाइड थोड़ी सी अटक, पीयूष जी आप दोबारा प्लीज स्लाइड नहीं कोई भी आप में से शेयर करेंगे जब तक कि इसको हम समाप्त नहीं कर लेते, क्योंकि वो हैंग हो जाएगा। नहीं तो मैं एक सेकंड के लिए दोबारा इस स्लाइड को जोड़ूंगा आप लोगों के साथ। पीयूष जी आपने अपनी स्लाइड कर ली है, हैंग हो गया है ये सिस्टम। ओके एनीवे मैं समय नहीं ज़्यादा लेता, लेकिन अगर ये एक दो दिखते हैं तो हमारे साथ रहेंगी रहेंगी, बट एनीवे जी 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 मुझे पीयूष जी आपने स्लाइड अपनी नहीं की, उसको प्लीज आप अपनी ओर से विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये मैं स्लाइड ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। पीयूष जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? पीयूष जी पीयूष पीयूष जी आप हेलो, एक सेकंड पीयूष जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ये थोड़ी कठिनाई हो रही है कि एक सेकेंड, टेक्नोलॉजी में कई तरह की दिक्कतें रहती हैं और शायद इसीलिए जो इसको मायावी शक्ति कहा जाता है, टेक्ने का मतलब मायावी शक्ति होता है। तो जी ठीक है अब हो गया है। तो आज के हमारे जो तीन मुख्य वक्ता हैं, जिसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो रहेगा प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ पंडिता जी का रहेगा, जो कि इनके नाम से भी लोग करते हैं, इज एमिनेंट हिस्टोरियन फ्रॉम कश्मीर, और उनका हम स्वागत करते हैं, उनके प्रति आदर का व्यक्त करते हैं। दूसरे जो हमारे जो फर्स्ट रिसोर्स पर्सन रहेंगे डॉक्टर वर्षा गुप्ता जी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू टीवी से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका पहला वक्तव्य रहेगा लगभग 20-30 मिनट का, मैक्सिमम आधा घंटा। और उसके बाद जो सेकंड हमारे जो रिसोर्स पर्सन रहेंगे आज के, डॉक्टर महेश कॉल, पोस्ट डॉक्टर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च दिल्ली में, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहले अधिकतम आधे आधे घंटे के दो वक्तव्य रहेंगे, उसके बाद वक्तव्य रहेगा
कृपया अपने माइक को म्यूट रखिएगा, बहुत सबको म्यूट करने कृपया रखें आप सभी लोग। तो उसके बाद डॉक्टर पंडिता जी के बाद हम लोग जो है एक ओपन हाउस डिस्कशन सेशन रखेंगे, जो भी आप प्रश्न करना चाहें, जो भी आप लोग बातचीत करना चाहें उसमें हम कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 2 से 2.5 घंटे का ये एक कार्यक्रम रहेगा। इससे पहले कि मैं मैडम वर्षा गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित, 2-3 बात और मैं साझा करता हूँ मेरे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद आप आज के मुख्य वक्ता को सुन पाएंगे। किताबों को पूछते मुझे 4 किताबें देखने को मिली हैं हिंदू के ऊपर, नहीं था उस बात का, एक मुस्लिम मृदु राय। माइक ऑफ करवाइए प्लीज, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। मैडम प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए कृपया, ये तो बड़ी सामान्य सी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये तो ज्ञान में विघ्न बड़ा पड़ता है और एक बार मन बदल गया तो फिर जो है कानों के अंदर भी जाते हैं। तो कृपया मेरा निवेदन है, कृपया कृपया प्लीज चार ये किताबें मुझे देखने को मिली हैं। मैं इसमें नहीं जा रहा क्योंकि मैंने खुद अभी तक ये किताबें पढ़ी नहीं है। इसके बाद जो अगली स्लाइड में शेयर करना चाहता हूँ, 4 तरह के प्रश्न थे जो अक्सर जिसको लेके मैं कन्फ्रंट भी करता हूँ। एक तो ये कि शुड हिस्ट्री ऑफ हिंदूज बी रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर इंडिया, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं, आप अपने से कर सकते हैं। या जब ऐसे लोगों के साथ आप बात करते हैं जो हमेशा एक हिंदू विरोध में, जिनको लगता है कि सारा का सारा सेकुलरिज्म जो है वो हिंदू विरोध में है। दूसरी तरह का जो प्रश्न है जो हम सामान्य रूप से संस्कृत में पढ़ाते हैं, संस्कृत के दर्शन में पढ़ाते हैं, मैंने नाम नहीं लिए हैं लेकिन ये 4 प्रश्न उसी के आधार पे। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ हिंदूज इज अ सेफरन एजेंडा इजंट इट सो, तो आप इसका काउंटर क्वेश्चन करते हैं जिसे प्रतिपृच्छा व्याकरणीय प्रश्न कहते हैं टेक्निकली संस्कृत में। तो उसका उत्तर ये है कि नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ हिंदूज इज ए कम्युनिस्ट एजेंडा इजंट इट सो। तीसरा जो प्रश्न है जिसको स्थापनीय प्रश्न कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये ऐसा प्रश्न है जिसे उठा करके साइड पे रख देना चाहिए, तो वो क्या है, विल इट हर्ट कम्युनिस्ट रीजनल हिस्टोरियंस टू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ हिंदूज। तो इस ऐसे प्रश्नों को तो हम साइड पे उठा के भी रख सकते हैं। और चौथा जो प्रश्न है जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम विभज्य व्याकरणीय प्रश्न से कैटेगरी में डालते हैं, हाउ टू राइट द एंशियंट मिडीवल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिंदूज। अब जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको बहुत सारे विश्लेषण भी करने होंगे, बहुत सारे इसकी व्याख्याएं भी करनी होंगी, बहुत सारे जो डाटा है तथ्य है वो सारे आपको इकट्ठे करने होंगे। तो कुल मिलाकर के इन द होल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हु इज हिंदू, वेयर इज हिंदू और वेयर ही इज प्लेस्ड एज पर हिस्टोरियंस, और वट हिस्टोरियंस मीन बाय हिंदू इन इंडियन हिस्ट्री, वट टाइम फ्रेम और पीरियड शुड बी मार्क्ड टू हिंदूज एज एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया वॉज आर्य दास द्रविड इंडिया, मिडीवियल पीरियड ऑफ इंडिया वॉज मुस्लिम इंडिया, मॉडर्न पीरियड वॉज ब्रिटिश इंडिया एंड पोस्ट पार्टीशन इज सेकुलर इंडिया। सो वेन हिंदू हिस्ट्री स्टार्ट और फ्रॉम विच पर्टिकुलर पॉइंट हिस्ट्री ऑफ हिंदूज शुड एमर्ज। तो अभी मैं ये एक भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ प्रश्न जो है वो साझा कर रहा हूँ, और मैं प्रोफेसर वर्षा गुप्ता जी को जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ आज का शेयर करें, और उनके बाद डॉक्टर महेश कौल जी जो हैं वो अपनी बात हमारे साथ साझी करेंगे। मैं इसको स्लाइड को हटा रहा हूँ, मैडम आप अपनी स्लाइड्स जो हैं अपलोड कर सकते हैं। हाँ जी सर, एक सेकंड मैम, इसको मुझे सिर्फ नीचे कर लेने दीजिए जी।
यू आर विजिबल एंड लाउड, यू कैन शेयर योर स्लाइड्स. थैंक यू सर. रेस्पेक्टेड प्रोफेसर के एन पंडिता जी, डॉक्टर महेश कौल एंड आशुतोष जी, ए वेरी गुड मॉर्निंग एंड ऑल अदर एमिनेंट स्कॉलर्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई टूडेज टॉपिक इज द ब्राह्मणिज्म इन कश्मीर, एंड फॉर दिस इन ऑर्डर टू ड्रॉ माई इन्फ्रेंसेज आई हैव प्राइमरली रेफर्ड टू इम्पॉर्टेंट पीसीज ऑफ लिटरेचर. One is the Nirmal Puran and other is the Rashtrangini of Kalhan. And besides these, I have also consulted the reports of the archaeological surveys of India and as well as Rashtrangini of Jon Raj and that of Abul Fazla. And I have prepared a PowerPoint presentation for that. I'm going to present it before. And one thing, Ashutoshji, I want to tell you that I am not professor, I am just Dr. Varsha Gupta. चलिए मैम, ये बात का कोई हमारे लिए ज़्यादा अर्थ नहीं है. आपकी ज्ञान में रुचि है, वो प्रोफेसर ही होता है. जो प्रोफेस करता है, he is a professor. बाकी ऑफिशियली ठीक है मैम, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सर. प्लीज कंटिन्यू. सो माय टॉपिक इज द ब्राह्मणिज्म इन कश्मीर. So, Jammu and Kashmir, the assumptions and the facts. Jammu Kashmir is considered as the remotest region of India, which lies between the westernmost Himalayas, Himalayan ranges, Chanskar and Pir Panjal, and is somehow apparently understood to constitute a world of its own, a world about which one may add more assumptions, circulate than facts. However, historians have always excluded this paradigmatic place from the regional grouping of Western Himalayas because according to them, culturally, Kashmir belonged to the different regional formation altogether. Madam, one which exerted a defining... Anji? Please continue. So historians have, I was telling you that historians have always excluded this paradigmatic place from the regional grouping of the Western Himalayas because according to them, Kashmir culturally belonged to the different regional formation altogether, one which exerted a defined influence on her and was non-Himalayan and non-Indian in nature. In fact, unka kehna tha ki Kashmir pe Bharatiya sanskriti ka kabhi koi prabhav hi nahi raha. Otherwise stated, whether it was a conquest, commerce, or culture, the northernmost and northwestern parts of Indian subcontinent have typically been characterized in history as the gateways to Central and Western Asia. Therefore, the historical significance of early Kashmir or Gandhar and Punjab for that matter is seen to lie in their access and exposure to the non-Indic realms and affairs, thereby consigning them transitional and hybrid peripherality. But all these points have been refuted on the basis of the information provided by the archaeological evidences on one hand and the literature across the worlds on the other hand. These evidences ascertain that for several centuries, both before and after Common Era, the provinces of northern India belonged beyond the Indus, in which the Indian language, that is Sanskrit, and the Indian religion were predominant, not only included the Kashmir, but the whole of Afghanistan from Bamiyan and Gandhar on the west to the Bolan Pass on the south. So coming back to Kashmir, if we go through the history of Kashmir, especially the religious history of Kashmir, we find that religious life in this region is always a speculum of the common pan-Indian type. Prior to the 13th century, two major religions of the world, the Buddhism and the Brahmanism, they were predominant there. In fact, the roots of the Brahmanism in the region can be traced even prior to the introduction of Buddhism. The Nirmal Puran mentions the Brahmins as the earliest inhabitants of the lands, besides the Nags and the Pishach. The text elucidates that Shiv, Vishnu, Shakti, and other Brahmanical deities had their adherents in this region, and elaborates the various rituals with the puja, dan, jap, hom, yatra associated with these deities. And further, the account of Kalhan also exhibits
exalted status enjoyed by the Brahmanism in the valley over the centuries. And by the time of Kalhan, Brahmanism was in flourishing state in Kashmir and received state's patronage also. Numerous shrines of Shiv, Vishnu, Surya, and other Brahmanical deities were erected at various places in different periods of time in the land of Kashmir, and their number was so great that it made the Kalhan to remark, I quote, there is not a space as large as the as a grain of sesame without teeth in Kashmir, I unquote. And Brahmanism, it remained a popular faith in Kashmir in the preceding centuries also, during the, especially we find in the medieval period also, because the information which we get is from the Rashtrangini of Jon Raj, as well as from the Ainiyatburi of Abul Fazl, who was the court historian of Akbar. And the following verses of Jon Raj. Jon Raj, he was a famous Sanskrit scholar in the court of Sultan Zainul Abidin of Kashmir. And these verses of Jon Raj are the best illustration of the deep-rooted Brahmanical traditions in the valley in the 15th century. So I quote Jon Raj, the good country of Kashmir is adorned by the Veds with their six Angas, by followers of Shiv and Vishnu, by worshippers of sun, by the Buddhist with their paintings and bihars and muds, by the wine and the saffron, the grain and the shali rice, by the fragrant flowers, by the Purans and the Shrutis, and the Tark Shastra by the Brahman worshippers of fire, and by the Brahmans devoted to contemplation, austerities, prayers, and anxious for ablution, and worship by kotis of Nags, by Hari and Hara, and by Gandharvas and Vidyadhars. Here the water is cool like the Amrit of the heaven. In this country, there are 45 images of Mahadev, 60 of Vishnu, 3 of Brahma, and 22 of Shakti, which are well known. They are neither beginning nor end. And there are kotis of good men who live in these shrines. I unquote. And further, similarly, the court historian of Akbar, Abul Fazl, has listed Kashmir among the sacred places of India when he writes, I quote, the whole country is regarded as the holy ground by the Hindu sages. 45 shrines are dedicated to Mahadev, 64 to Vishnu, 3 to Brahma, and 22 to Durga. In 700 places, there are graven images of snakes, which they worship and regarding which wonderful legends are told. I unquote. The sanctity of this region as a sacred place was also noticed by the Europeans who visited the valley as late as in the 19th century and found the ancient traditions were so deep rooted in Kashmir that the people of valley, they couldn't dispense off with them for long. Despite the dominance of Islam in Kashmir, especially from the 13th century onwards. It is in this context, Walter Lawrence, who was appointed as the settlement officer during the reign of Maharaja Pratap Singh, he explicitly remarks that Kashmiri Sunni Muslims were only Muslims in name. In the hearts, they were Hindus. In fact, Kashmir's deeper association with the Brahmanism is also evident from the local traditions and legends preserved in the valley pertaining to the origin of Kashmir. Digging deeper to trace, if we trace the origin of the Kashmir, one reaches a point where Kashmir is referred to as Sati Saras, that is the lake of Sati, which clearly substantiate Kashmir's deeper association with Brahmanism. Sati, a virtuous woman, and Saras, a lake. And this assertion has not only been replicated by the later Persian writers down to the 18th century, but it agrees with the local tradition of the country. In the 16th century, Akbar's court historian Abul Fazl writes it as the lake of Uma, the consort of Mahadev, one of whose name, it is true, is the Sati in the character of virtuous spouse. Following the account in Nilmat, the Rashtrangini too speaks of the Sati Saras or the lake of Sati. I quote, the land in the womb of Himalayas was filled with water during the periods of the first six Manus and the lake of Sati. According to the legend prevalent in the valley, this primeval lake was inhabited by the demon named Jalabhod. Having obtained womb from Brahma,
He began to destroy the descendants of Manu dwelling in the land of Drava, Visar, Gandhar, Shak, Kushan, Khas, etc. While Sage Kashyap became acquainted, when Sage Kashyap became acquainted with this hazardous situation, he requested the gods Brahma, Vishnu, and Shiv for the help. The Vishnu, followed by Brahma, Shiv, and various other deities, proceeded to punish the demon and killed him by cutting off his head. This lake, when drained by the gods at the behest of the Sage Kashyap, then emerged. There emerged a site where the Mandal or the kingdom of Kashmir was founded. As far as the nomenclature of Kashmir is concerned, in Nilmat we get to know about the tradition prevalent in Kashmir, which attributes its name to Kashyap, and hence the Ka for Kashyap and Ka for Kashmir. And in fact, this Maithin Kalhan's narrative is related to the physiography of the Kashmir and combines geology and traditions. It is well established fact that geomorphological formation of Kashmir Valley occurred from an ancient lake. It is therefore a memory preserved in Maith. Land thus recovered by Kashyap was also said to have peopled by him with the assistance of the superior deities, when whom he brought from the heaven for that purpose. So in Nilmat Puran, it has been referred that since then, the country is inhabited by the human beings, that is the Brahmins. Abul Fazl II writes that it was Sage Kashyap who brought in Brahmins to inhabit this new region. The Nilmat, as well as the account of Abul Fazl, accentuates that Kashyap was the one who introduced the Brahmanical traditions in the valley. In fact, in Nilmat Puran, one gets a clear picture of the religious life in Kashmir. The text describes that the holy region of Kashmir is possessed of all the sacred places, Kashmir Mandalam Punya Sarva Tirth Mandiram. This is further verified by Kalhan when he describes that, I quote, "This kingdom is held in veneration by the god Tirth and Rishi," I unquote. Further from Nilmat, we find that as elsewhere in India, Brahmanism in the valley was also a conglomeration of many cults with slight variations in their respective beliefs and traditions. These cults, with those of Vishnu, Shiv, Brahma, Surya, Durga, Nag, and Buddh, not only flourished side by side, but also assimilated each other's components and virtues, which symbolized their peaceful coexistence in Kashmir. Of these cults, the cults of Shiv and Vishnu acquired the status of prominent beliefs in the valley. In fact, they encompassed to a greater extent the religious milieu of Kashmir and exerted their profound influence upon the traditions and the people, beliefs of the people of Kashmir. This is well illustrated by the Nilmat Puran and the Rashtrangini, when these texts describe Kashmir as the land of Parvati. And these texts have no less than Krishna's state. I quote, Kashmir land is Parvati, now that its king is the portion of Shiv. Exalted highly in the Nilmat Puran, Shiv occupies a position second to Vishnu in the text. The Nilmat Puran refers to Shiv as the member of triad of deities and describes the three forms of the triad, that is the creating, protecting, and destroying the world. Of Shiv's consort Uma or Sati, the Nilmat speaks so highly as to give her a position higher than that of Shiv. As I have already told earlier, that the land of Kashmir is characterized as her material manifestation, and she is further stated to have taken the form of river Vitatsa. Shaivism continued to have its adherents in Kashmir even after the introduction and dominance of Buddhism in this region. We are told by Kalhan that even King Ashok, who was the great proponent of Buddhism, he constructed Shaiv temple at Vijayeshwara and their modern Meech Vihara. And M.A. Stein writes that this famous old shrine of Shiv Vijayeshwara lent its name to the surrounding town, the modern Beech Baror or Meech Vihara. Then Shiv Bhutesha was very popular in Kashmir. The adoration of Shiv Bhutesha, the Lord of Being, localized near the sacred site of Mount Haramukt, was the significant part of the religious practices of the people of Kashmir. In fact, Haramukt was also the abode of Shiv, the place par excellence where one could attain ultimate liberation or moksha.
as late as 19th in the 19th century, Haramukh was one of the holiest tiers of Kashmir, which sign noticed was visited by the thousands of pilgrims, actually in the month of Bhadrapad. And not only this, many rulers of Kashmir were also the adherent followers of Shaivism, and under them, Shaivism received state's patronage. Kalhan informs that King Jaluka was jealous devotee of Shaiv and made a vow to worship Shiv Videshwara and Jyeshtha at Nandikshetra. The Shiv Jyeshtha of the Rajtrangini is an appellation for the Shiv. Shiv was once worshipped under this name or its equivalent in many localities of Kashmir. Yeshwara and Jyeshtha Rudra. Likewise, many other rulers of Kashmir like Damodar II, Samdhimat were also the great devotees of Shiv. Kalhan writes that King Samdhimat consecrated 1,000 Shivlings every day. And not only this, Kalhan, if we go through the Rajtrangini of Kalhan, we find that Kalhan himself was a great devotee of Shiv. And time and again in his work, he exalts both Shiv and Parvati together, which one observes in hymns at the beginning of each Tarang. Consequently, he feels delighted to speak of the erection of numerous Shaiv shrines in Kashmir. And the list which has been given in Kalhan's Rajtrangini is quite a large list which has been given. And to name a few, as I have already told you, that Ashok, he found the shrine of Shiv Ashokeswara at Vijeshwara, then Jaluka, the shrine of Bhutesha, and Shiv Jesht Rudra, then Gopaditya, the shrine of this Shankaracharya on the Gopa Hill. Then Queen Narendra Prava, who was the mother of King Lalita Ditya of Kashmir, she constructed the shrine of Shiv Narendreshwara. These are only the few names which I am giving. Otherwise, there is a long list of these shrines in the Rajtrangini. Then Shaivism was a prominent faith in Kashmir and its neighboring regions is further corroborated by several archaeological remains found in this region. These remains testify that despite the Buddhist influence in Gandhar and Kashmir, Shaivism engrossed the important place among the people of these regions. From Chersada in Northwest Frontier Province, a Shiv image has been discovered. Standing before the bull Nandi, the deity is three-headed, three-eyed and armed holding a damru and kamandalu. This type in seated posture of Lokeshwara is also found in Kashmir and Khotan. Then terracotta plaque representing the crude figure of Shiv as Bhairav has been found in Martand Anantnag. Then a sculpture of Kartikeya has been found at Beej Bihara. Then life-size stone statue of Shiv in Shiv temple at Fatehgarh in Baramula. And in addition, a few Shiv bronzes have been found in Kashmir. And one of the most impressive is the Ek Mukha Ling, which bears the characteristics of Kashmir bronzes of Karakota period. In fact, some of the temples of Kashmir are still venerated, you can say that of Shankaracharya. Then one of the most revered Shaiv teeth of Kashmir, that is the Amarnath or Amareshwar, find mentions in Nilmat Puran and Rajtrangini. Kalhan regards the teeth of Amarnath together with Haramukta as the Haramukuta as the sacred and most popular of teeth, which was frequented by the thousands of pilgrims, not only from Kashmir, but also from the distant lands of India. And the teeth of Amarnath, it also finds reference in the Aine Akbari of Abul Fazl. And Abul Fazl too writes that the people from the distant lands of India, the Hindus, paid pilgrimage to this teeth of Amarnath. Besides Shiv, Vishnu was highly venerated in Kashmir, deity in Kashmir. In fact, Vaishnavism engrosses a very distinguished status in the Nilmat Puran, which extols more of Vishnu than any other deity. The Nilmat elucidates Vishnu as the highest god, exalted, respected, and even by the Brahma and the Shiv. The Nilmat Puran narrates several legends related to Vishnu, like the killing of Madhuketab, the fight with Narka, Sur, and the moksha or liberation of Gaj, killing of Jalbodh, and many more. And the text further prescribes the Pankratra system of worship for Vishnu,
which in turn anticipates the popularity of Pankratra cult in Kashmir. The exhaustive description of Vaishnavism and Vishnu that we get in Nirmat Puran apparently exhibits the esteemed status relished by Vishnu in the religious life of Kashmir at that time. At the same time, it also demonstrates that Vishnu was a popular deity of Kashmir, and the popularity of the Vaishnav cult in Kashmir is further validated by the Vishnu Dharmotra Puran, which mentions Kashmir as the seat of Chakran Vishnu. The Vishnu Dharma, Kalhans Rashtrangni also speaks at length about the prevalence of the cult of Vishnu in Kashmir. And it enumerates several shrines of Vishnu erected in Kashmir, and also the patronage which the rulers of Kashmir, they extended to this faith. The earliest reference of the worship of Vishnu in the Rashtrangini comes from the reign of Maitragupta, who is said to have built the shrine of Madhusudan Vishnu, called the Maitragupta Swamin. Kalhan gives a long list of the kings of Kashmir who were devoted to the worship of Vishnu and erected numerous shrines in this honor. And for instance, King Parvar Singh II consecrated an image of Vishnu, Jai Swamin. Stein, M.A. Stein has identified the location of this temple of the Parvar Singh in the center of Srinagar, between the southern foot of Hari Parbat and Jama Masjid, where there is now the Ziyarat of Bahauddin Sahib. The old cemetery which surrounds the Ziyarat contains in its walls and tombs many ancient remains. At the southwest corner of the cemetery stands an ancient gateway of great height and width, built of the blocks of remarkable size. This gateway, according to Stein, was designated by the Brahmin traditions popular or prevalent in the valley as part of Parvar Singh's temple and the place, and as the place where the king ascended to heaven. The worship of Vishnu was further stimulated in Kashmir by the patronage it received from the rulers of the Karakota dynasty. Karakota rulers were the ardent devotees of Vishnu, and Vishnu, as the adored deity of the Karakota family, acquired a prominent status among the Brahmanical pantheon in Kashmir. Rashtrangni provides a complete list of the numerous shrines of Vishnu erected during the reign of Karakota rulers. For example, King Lalitaditya Muktapid was the ardent devotee of Vishnu. Besides the erection of the temples, he also raised the statues and temples of Vishnu. Temples of Vishnu. For instance, at the town of Parihaspur, he raised a magnificent silver statue of his patron Vishnu, the Parihas Keshwa. And in many of the Lalitaditya's successors like Jaipid and Ajit Pid, they were also the adherents of Vaishnavism. And many later rulers like King Ukala and King Jaidev and Ratna Devi, who was the King Jaisima and Ratna Devi, who was the queen of King Jaisima, they were also the patrons of the Vaishnavism. And King Ukla, he put up an illustrious image of Parihas Keshav at Parihaspur, and he also adorned the temple of Vishnu Tribhun Swami. And Ratna Devi, the queen of Jaisima, he established that shrine of Vishnu Kunt Math. Then the popularity of the cult of Vishnu in the valley is further corroborated by a number of images and sculptures discovered from different sites, as well as from the remains of the ruined shrines, which are scattered throughout the length and breadth of Kashmir. A Vishnu temple has been discovered in Tapar, that is the Pratapura, having a stepped stone structure of Garud, isolated Vishnu's images and the inscription. Further, the ruins of Vishnu temples have been found at Narasthan or Narang, a small village in Kashmir. At Pandrethan, a temple has been identified by the Alexander, was identified by Alexander Cunningham as the Vishnu Meru Vardhan Swamin temple. Then remains of the
Padma Swami temples have been found, temple have been found at Pampur. Then Avanti Swami temple dedicated to Vishnu has been found at Avantipur. Then there is Narendra Swami temple by Narendra Ditya at Payar. And there are many more temples which are dedicated to the Vishnu. And numerous bronzes of Vishnu has also been found from Kashmir. Further, we know from Nimmat Puran that besides Shiva and Vishnu, several other Brahminical deities were also adored in Kashmir, with Ganesh, Sakanda, Kartikeya, Brahma, Varun, Agni, Yam, Indra, the sun, the moon, Kuber, Baladev, Chandodev, etc. And the cult of Shakti was equally popular at the time of the Nimmat Puran. Several goddesses like Uma, Durga, and Sharda are frequently referred to in the text. The Nilmat also attaches great significance to the river goddesses, especially to like the rivers like the Vitatsa and Chandrabhaga. The continuity of the religious traditions is well reflected in Rajtrangini also. Kalhan itemizes the numerous instances which are associated with the worship of several Brahmanical deities other than Shiv and Vishnu. The most revered were the Surya, Kartike, Ganesh, Agni, Lakshmi, Durga, Kamdev, etc. A number of shrines were also erected by the rulers in the honor of these deities. Also, the availability of the number of sculptures and images attests the prevalence of these cults in Kashmir. One of the prominent deity of whom we hear in the Rajtrangini is the Ganesh or Vinayak, who was worshipped as Bhima Swamin in Kashmir. The worship of Ganesh in Kashmir under the name of Bhima Swamin continued as late as in the 19th century, when Stein in the 19th century writes that, I quote, Ganesh is worshipped to this day under the name of Bhima Swamin Ganesh in the rock lying at the foot of the southern extremity of the Hari Parbat, I unquote. The prevalence of the Ganesh worship is further attested by the discovery of a bronze sculpture of Ganesh belonging to the 10th century Kashmir. In addition, a bronze image of Kumar Kartikeya belonging to 9th century has also been discovered in Kashmir, and Kumar was also highly revered in Kashmir. Kumar or Kartikeya was regarded as the guardian angel of the children. In addition, the cult of Surya, the sun god, enjoyed appreciable recognition in Kashmir. It is apparent from the magnificent temple of Martand, which writes Kalhan was raised by King Lalita Ditya. The Rajtrangini also tells of two more important temples of sun erected prior to the reign of Lalita Ditya, one by the Hun king Rana Ditya, and the deity within the temple was known as Ranapura Swamin, and another sun temple, Jaya Swamin, was erected by the king Jayapir. Then we find that besides the literature and the material remains, the wide prevalence of the Brahmanism and Brahmanical cult is also substantiated by the names of the various places in Kashmir, recognizing the importance of these places in Kashmir, and a large number of villages, towns, quarters, mountains, and rivers of Kashmir are known either after the deities of Brahmanic pantheon or their incarnation or the Brahmanical religious institutions or the Brahmanic sacred sites. For example, there is Diwar, then there is Guripur, which is named after Gauri or Uma. Then Baramula, which is named after Varaha, the incarnation of Vishnu. Then Gopalpur, then there is Ganeshpur, then Ganeshwal, Indar, Mitragaon, which is the Sanskrit of Mitragram. Then Martand, named after the Martand, the sun god. Then Bhuchwar, which is after the Sanskrit term Bhuteshwara, then Shankarpur, Ganpatyar, Yogi, Lankar, Yogipur, then Didmar, which is named after Didamat, etc., in case of the names of the villages and the quarters. And then Vet or Vitatsa, Sen or Sindhu, Ganga, Vadrihal, etc., with regard to the rivers. Then Haramukta and Hari Parbat, Mahadev, Panchaldev, etc. regarding the names of the mountains and the hills. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for such an informative lecture. और मुझे ये लग रहा है कि मैंने नीलमत पुराण क्यों नहीं पहले पढ़ा साथ में, कि इतना आपने उसको रेफर कर दिया, इतना उसको कोट किया है. राजतरंगिणी के कुछ पोर्शन ज़रूर मैंने पढ़े हैं और
कई सारी आपने ऐसी इंफॉर्मेशंस दी हैं और ये वाकई मेरे लिए वो बड़ी एनलाइटनिंग है। नहीं तो हमें जो है कश्मीर शैव का, कश्मीरियों का केवल एक ही पक्ष पता है कि वहाँ केवल कश्मीर शैविज्म है। लेकिन ये जो आपने बाकी देवताओं को भी स्थापित किया है और उनके बारे में जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है वो वाकई हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इसे धन्यवाद लेकिन इसके साथ दो एक बातें और भी मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो ये कि ये जो ब्राह्मणिज्म की जो टर्म है ये बड़ी एक मिसलीडिंग टर्म है। आप ब्राह्मणिकल शब्द इस्तेमाल करें, ब्राह्मणिज्म को बनाना बड़ा मुश्किल है। नंबर दो कि सर। कश्मीर में इतने सारे यज्ञ हुए हैं, यज्ञों के रेफरेंस के बगैर हमें बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणिकल की पहचान जो है वो यज्ञ से तो हो सकती है, मूर्तियों से आप ब्राह्मणिकल को आइडेंटिफाई अगर करेंगे तो वो हमें एक थोड़ा मिसलीड करेगी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस एंड सर्टेन क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, तो वील डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन। लेकिन ठीक वाकई आपने, इट्स एनलाइटनिंग लेक्चर, और वाकई आपने एक ट्रू हिस्टोरियन होने के नाते जितनी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर की है वो अप्रिशिएबल है, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। इसके साथ ही मैं आज के अगले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, डॉक्टर महेश कौल जी, जो ICPR रिसर्च फेलो हैं दिल्ली से। वो हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं और उनका परिचय मैंने आपसे करा ही दिया है, बहुत एक्टिव हैं अपने काम में और इन सारे विषयों के बारे में उनकी अपनी तरह की एक राय है, तो जिससे हम परिचित होंगे। और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ें और अपनी बात हमारे साथ लगभग अगले 20-25-30 मिनट के अंदर अंदर वो इसको शेयर करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेश जी, सर आर यू देयर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप अपना वीडियो आ बंद कर रही दीजिए। आवाज़ आपकी आवाज आ रही है सर? जी, आपकी अच्छा, आवाज़ आ रही है लेकिन वीडियो नहीं है। आपकी पावर पॉइंट तो नहीं है? नहीं सर, नहीं। ओके ओके ओके, देन आई शेयर माई पावर पॉइंट। ठीक है, प्लीज यू इनिशिएट कीजिए। वीडियो आ रहा मेरा? अच्छा सर अभी नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा। अच्छा जी जी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा प्लीज अच्छा कंटिन्यू। सबको सबको मेरा सर्वत्र नमस्कार, और आयोजकों को भी धन्यवाद कि मुझे अवसर दिया, और काशीनाथ जी पंडिता जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, मेरी सहवक्ता वर्षा जी और बाकी सारे प्रबुद्ध लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा जो विषय है वो इस प्रकार से है कि संस्कृत कश्मीर एंड चैलेंजेस इन हिस्टोरियोग्राफी, संस्कृत कश्मीर एंड चैलेंजेस इन हिस्टोरियोग्राफी। तो अभी तक वर्षा जी ने जिस प्रकार एक भूमिका बांधी है, मेरा काम अब सरल हो गया है। उन्होंने राजतरंगनी, नीलमत पुराण का जो उदाहरण दिया, उसमें रेफरेंसेस दिए, तो आपको एक झलक मिली। अब यहाँ पर एक बात आती है मुझे याद, जो MN श्रीनिवास एक अच्छे सोशोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने एक बात कही, संस्कृताइजेशन। जब संस्कृताइजेशन की बात हुई तो हमारे सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स कहें या सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया जो अभी तक कार्यरत रहा, उन्होंने उसे तोड़ मरोड़ कर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के दायरे में रखा। लेकिन संस्कृताइजेशन ऑफ हिमालयाज के ऊपर जो बात होनी चाहिए वो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में करते हैं, हमें चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है। और आशुतोष जी ने बड़ी अच्छी बात इंगित की, आइडेंटिफाई किया कि ब्राह्मण कहना ये एक सारी कंकॉक्टेड हिस्ट्री है जो हमारे ऊपर थोपी गई है और हमें डाउनग्रेड किया जाता है। प्रीस्टली क्लास को ब्राह्मणिज्म के साथ इक्वेट किया जाता है, और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए जो बेसिकली टर्म आती है उसे बट्ट कहते हैं। बट्ट शब्द का प्रयोग ये बोध भी करते थे और बाकी लोग भी करते थे। बट्ट का मतलब प्रबुद्ध है। आज भी अगर कश्मीरी मुसलमान से या किसी से आप पूछेंगे, यहाँ पर जो ये रहने वाले लोग थे इनको क्या कहते थे, वो कहेंगे इनको बट्ट कहते थे। सो बट्टाज आर बेसिकली कश्मीरी पंडित हू वर इनटू लर्निंग
हुवर इन टू वेरी डिफरेंट प्रोफेशंस. उन कलहन के जो पिता थे वो एक बाय ट्रेनिंग एक मिलिट्री ऑफिसर थे. तो कश्मीर में सबसे बड़ी बात ये रही थी कि जो कास्ट सिस्टम था नहीं था. ये हमारे ऊपर एक वेस्टर्न कंसेप्ट थोपा गया जब अंग्रेज आए, उन्होंने कास्ट जो उनके यहाँ कास्टा करके प्रचलित था हमें उसमें स्ट्रेटिफाई किया, नंबर एक. नंबर दो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हिमालय है, हिमालय भारत का केवल मुकुट नहीं है. मैं तो कहता हूँ हिमालयाज इन कश्मीर आर द लेबोरेटरी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, द संस्कृत सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. और लोगों का ये कहना कि कश्मीर इंटेग्रल पार्ट है, उससे हम कुछ चीजों को नेगेटिव करते हैं. कश्मीर इज बेसिकली कोर ऑफ इंडिक सिविलाइजेशन, जहां से आपका ग्रामर, आर्ट्स, एस्थेटिक सब कुछ, योग, षड दर्शन में हमारा योगदान रहा. और इस सिविलाइजेशनल पिरामिड को इन्वर्ट किया गया 1990 में. जैसे मैं खुलकर बात करूंगा, हिंदू बाहर निकले तो वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था. इसी समय में हिमालय में, भूटान में भी हिंदुओं को निकाला गया. हिमालय में इसको डिसंस्कृताइज किया गया. हिंदू शब्द को भी मैं न कहूं, डिसंस्कृताइज करना. संस्कृत एक लैंग्वेज नहीं, भाषा नहीं है. संस्कृत एक जीवन पद्धति भी नहीं है. संस्कृत एक इकोसिस्टम है, एस्थेटिक्स है, जिसके दायरे में आप प्लेस कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हो. कश्मीर एक प्लेस कॉन्शियसनेस है. हिस्ट्री में अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मेडिवल टाइम्स तक हिस्टोग्राफी को देखें तो हमें बड़ा उसमें विरोधाभास नजर आता है. ऐसा क्यों है? जब आज भी आप सिविल सर्विसेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि जम्मू, भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और राजतरंगनी है, कलहन की, श्रीवर की, जोनराज की, और उसके बाद भी कश्मीर की हिस्ट्री और इतिहास के बारे में इतना विरोधाभास क्यों? नंबर एक, इसका मतलब जो एक सबवर्शन हुआ, एक सबवर्शन जो हुआ सिर्फ पॉलिटी में नहीं, एकेडमिक सबवर्शन की मैं बात करता हूं, उसके कारण कश्मीर को डिसंस्कृताइज करना. हमारे प्राइमरी सोर्सेज जो थे उसमें आप शैविज्म की बात करिए, जो स्वामी राम ने बाद में मॉडर्न टाइम में इकट्ठा किया. अभिनव गुप्त का तो रोल रहा ही रहा, आचार्य उत्पल देव का. लेकिन एक बड़ी दुर्घटना हुई है पूरे भारत में और वो कश्मीर में भी लागू हुई. अंग्रेजों ने एंग्लो मुस्लिम अलायंस के तहत यहाँ पर संस्कृत को दो हिस्सों में विभाजित किया, पारमार्थिक और व्यावहारिक, दोनों चीजें उसमें. उन्होंने व्यावहारिका को रखा और परमार्थ को हटा दिया, अनहिंज कर दिया. जैसे आपने परमार्थिका हटा दी, जिसमें हमारे सूत्र हैं, जिसमें हमारे पद्धतियां हैं, केवल सेक्युलर जिसको ये कहते हैं दिनचर्या की बातें, उसको रहने दिया. और उसके कारण हमारे लोगों की जो सेंसिटाइजेशन हुई, कंडीशनिंग हुई, तो हमने सोचा कि शायद जो हम हैं हमारा ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा. इसके पीछे इस्लाम का जो ऑनस्लॉट रहा, मैं यहाँ काशीनाथ जी हमारे सभापति, उन्होंने दो पुस्तकों का अनुवाद किया है बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहरस्तानी शाही और तोहफातुल अहबाब. ये पर्शियन अकाउंट्स हैं, वो हमने नहीं लिखी, भारत के किसी शिक्षाविद या किसी स्कॉलर ने लिखी. जो लोग वहां से आए थे, बाहर से इन्वेड करके, सेंट्रल एशिया से या कहीं से भी, उन्होंने ये लिखी और उसमें उन्होंने यूलोजाइज किया. बिल्कुल, हमने हिंदुओं को कितने गर्म जला दिए, कितने हिंदुओं को परिवर्तित किया उनकी अपनी भाषा में. इस वक्त मार्केट में उपलब्ध भी है काशीनाथ जी का उसका ट्रांसलेशन, बहुत स्कॉलरली ट्रांसलेशन दोनों का, तोहफातुल अहबाब और बहरिस्तानी शाही. तो इस तरीके से एक और जो एक भ्रांति फैलाई गई कि कश्मीर का सूफी दर्शन है. सूफी क्या होता है? सूफीज्म वाज द प्रोसेलिटाइजिंग आर्म ऑफ इस्लाम. एक तो तलवार से और दूसरा पर्सुएशन से कश्मीर में धर्मांतरण हुआ. लोग कहते हैं जी स्वेच्छा से कश्मीर में जो मुसलमान आ गए या कुछ, ऐसा नहीं था. क्योंकि कश्मीर का एक इकोसिस्टम था, उसे तोड़ना था. वो आप तलवार के बल पर नहीं तोड़ सकते थे. जो सूफीज थे वो बेसिकली सैयद सूफीज थे, और सैयद सूफीज का काम वही था जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन प्रोसेलिटाइजर्स का है, कि एक इकोसिस्टम को यूज करके उसको इन्वर्ट करना. जैसे कि आप कोई प्रार्थना गाते हैं, जैसे इंद्राक्षी का पाठ हमारे कश्मीरी पंडितों में बहुत प्रचलित है, उस संस्कृत पाठ की जो धुन है, उस धुन को आधार बना के इन लोगों ने खानकाहें बनाई और उसमें वैसे ही दरूद खानी करते गए. और लोगों को, आम लोगों को लगा शायद ये तो हमारी तरह ही बात कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं एक बार जाके, रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज हैं. जब चले गए तो कुछ दिन बाद उसी धुन में गाने लगे, लेकिन उसमें कुछ और चीजें थी. ऐसे ऐसे नुआंस तरीके से कन्वर्जन के इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए. तो नंबर एक. नंबर दो,
इस एस्थेटिक्स को तोड़ने के लिए यह भी कहा गया कि कश्मीर शैविज्म जो है इस्लाम तक जाने की पहली सीढ़ी है, जबकि सेमिटिक ट्रेडिशन और नॉन सेमिटिक ट्रेडिशंस में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। खुलकर बात करनी चाहिए अगर हमें हिस्ट्री को देखना है। जो चीजें अरब देशों में प्रचलित हैं और जो हमारे यहाँ पर प्रचलित हैं, क्योंकि ये धर्म अरबी है, ये एक डेजर्ट सिविलाइजेशन है। एक डेजर्ट सिविलाइजेशन की एक प्लेस कॉन्शियसनेस, एक जीजी विषया, एक अपना एस्थेटिक्स कुछ अलग होता है, उनके जीवन यापन के ढंग अलग होते हैं। आपको रेगिस्तान में खाने को शायद वेजिटेशन नहीं मिलती, आपको घास नहीं मिलती, तो आपको वहां मिले जो भी जानवर, उससे आपको जीवन यापन करना पड़ता है। जब ये लोग यहाँ आए एक वाटर सिविलाइजेशन में, हमारी नदियों की सभ्यता, तो इसमें विरोधाभास तो था, इस विरोधाभास को रोक नहीं पाए। तो ललेश्वरी जो एक शैवी योगिनी है, उसके बारे में डिस्टॉर्शन किए गए कि वो सूफी थी, वो ऐसे थी, और हमदानी और उसको एक ही काल में बताया गया, जबकि दोनों का कालखंड डिफरेंट था। एक ये चीज है। तो इस तरह से जहां पर ये लोग ये कश्मीर के आइकन्स को तोड़ नहीं पाए, ललेश्वरी को तो कश्मीरी मुसलमान भी नकार नहीं पाते, वो उसको लल आरिफा कहते हैं, तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कश्मीर के फोकलोर में शी हैज बीन प्रेजेंट, उसने लोकल फ्रेजेस यूज करके, जो उसकी कश्मीरी है वो संस्कृत कश्मीरी है, कश्मीरी के जितने शब्द हैं वो संस्कृत शब्द हैं, वो बाद में अपभ्रंश भाषा में चले गए। तो एक कहने का मतलब है कि ललेश्वरी जो एक शैव योगिनी है, उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर पाए, लेकिन आपने उसको बता दिया कि वो तो बेसिकली सूफी थी, तो आपने ऐसे अकोमोडेट कर दिया। जैसे अभी एक क्रिश्चियन थ्योरी चल रही है कि शिव जो है जी वो अफ्रीकन गॉड है, वो लेम्यूरिया से बिलोंग करते थे, इसलिए वो क्रिश्चियन गॉड है। तो मतलब अनहिंज करना सिविलाइजेशन को, कश्मीर के संदर्भ में ऐसा ही हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो बिंदु है कि जब कश्मीर के बारे में इतना इतिहास बड़ा क्लियर है, जितना किसी भी प्रदेश में शायद भारत के नहीं होगा, उसके बारे में इतनी भ्रांतियां क्यों? योग में, दर्शन में, किसी भी जगह देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन। अब यहां तक जो नई रिसर्च चल रही है उसमें कालिदास, महाकवि कालिदास को लेकर यह भी क्या कहा जाता है कि महाकवि कालिदास कश्मीर से थे, क्योंकि जो उन्होंने अपने रचनाओं में कश्मीर की संरचना, कश्मीर के प्रवेश, कश्मीर की वस्तु स्थिति और कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में वर्णन किया है, वो केवल वही आदमी बता सकता है जो कश्मीर में रहा हो, कश्मीर देखा हो और बाद में शायद पलायन कर गया। चाणक्य के बारे में भी भ्रांतियां हैं, और यहां तक बिल्हन जो थे, बिल्हन यहां से चले जाते हैं सेंट्रल इंडिया की, और वो वहां अंकुर विक्रम देव चरितम लिखते हैं। वहां के राजा की कन्या से उनका प्रेम होता है, विवाह हो जाता है, उसके बाद उनकी प्रबुद्धता के कारण वो स्थापित भी होते हैं। तो कहने का मतलब है अंकुर विक्रम देव चरितम आप पढ़िए, आप बिल्हन का अंकुर जो है विक्रम देव चरितम, उसके साथ साथ और भी चीजें। अच्छा, इतना ही नहीं, क्षेमेंद्र हमारे कश्मीर के एक पॉलीग्लॉट पॉलीमैथ है। तो साम्य मातृका, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं जो उनकी कृति है, उसमें देखिए वो तो पछाड़ देते हैं सबको, क्या सेटायर, क्या नैरेटिव कश्मीर के बारे में, और कितना लोगों, अच्छा कश्मीर के बारे में उत्सवों की बात करें, कौन कौन से उत्सव होते थे? नीलमत पुराण कश्मीर का उपपुराण है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, वर्षा जी ने उसकी बात की है विस्तार से, उन्होंने वहां उद्धृत किया है, और उसमें नव हिमपात उत्सव अभी भी कश्मीर में मुसलमान भी वो मनाते हैं, और उसको नौशीन कहते हैं, नौशीन, नव हिमपात उत्सव। ये जो नव हिमपात है, वहां कश्मीर इज अ लैंड ऑफ सेलिब्रेशन। कहते हैं कि संगीत जो है वह सूफी आया, अरे इस्लाम में संगीत को शिर्क मानते हो आप, कहां से आपका इस्लाम में संगीत आया? कश्मीर की चीजों को आप बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन आपके लिए परेशानी थी कि भाई नकार तो सकते नहीं, इसलिए इसको कुछ और रंग दे दो, इसका लिफाफा बदल लो, लबाबा बदल दो। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल इस सदी के सबसे बड़े अंग्रेजी लेखक भी हुए, और उनको आप पढ़िए, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन है, मिलियन म्यूटिनीज, नाउ क्या लिखते हैं वो कहते हैं जब आप धर्म परिवर्तित लोगों में, इस्लाम बियॉन्ड बिलीफ करके उन्होंने किताब लिखी, ट्रेवल अमंग बिलीवर्स, कश्मीर में भी गए और उन्होंने लिखा, जब आप कन्वर्टेड पीपल में जाते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, और आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण वो न आगे के न पीछे के, आगे कुआं पीछे खाई, और अपने आप को ज्यादा कट्टर बताने के चक्कर में वो न्यूरोसिस में चले जाते हैं। सो कन्वर्टेड पीपल आर अ केस ऑफ न्यूरोसिस। ये है
आप मोहम्मद इकबाल को देख लीजिए, वो कन्वर्ट थे, उन्होंने कितनी कट्टरवादिता लाई और उस कट्टरवादिता के कारण ही मुस्लिम नींव लीग के अलग मुस्लिम लैंड होमलैंड पाकिस्तान की नींव पड़ी, जिन्ना ने तो केस लड़ा। ये तो इकबाल थे और ये विरोधाभास है आज की डेट में, जिस इकबाल ने भारत को खंडित करने की बात की उसके नाम पर हम यहाँ राष्ट्रगीत रखते हैं, तो कहने की बात यह है। एक और एक आपके बड़े ये इस्लाम के ही पहले जहादी थे, बाद में बहुत बड़े राइटर बने, अनवर शेख, उन्होंने लिखी इस्लाम इज अरब इंपीरियलिज्म। वो बेसिकली मूलतः अपने पूर्वजों के तौर पर कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने कुरान की वर्स बाय वर्स डायलेक्ट वो तोड़ के पैराफ्रेज करके बताया कि किस तरह से कन्वर्शंस की गई और कश्मीर में भी वही हुआ। तो सूफी, सबसे बड़ी बात यह है कि सूफी जो बात कही जाती है, सूफीज वेयर प्रोसलिटाइजर, सैयद सूफीज थे, और ये गलत कहना है कि कश्मीर में शियाओं ने कम काम किया। ये जो सारे थे अराकी वगैरह, ये लोग तो शिया ही थे। इस्लाम की एक दुरा एक, एक डायनेमिक्स है। रॉबर्ट स्पेंसर ने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ जहाद फ्रॉम आइसिस टू मोहम्मद, अभी रिसेंटली 2019 में आई है, और एक और किताब है हेरिटिक व्हाई इस्लाम नीड्स अ रिफॉर्मेशन नाउ, अयान हिरसी अली, शी इज आल्सो अ मुस्लिम, कि इस्लाम में प्रॉब्लम है कि जब आप अनहिंज तोड़ नहीं सकते, आप उसको उसका लबाबा चेंज करिए, उसका कवर चेंज करिए। और कश्मीरियत की बात होती है, कश्मीरियत इज अगेन ए मिसनोमर। तो सैयद सूफीज दे वेयर प्रोसलिटाइजर से ध्यान रखना पड़ेगा। शैव योगिनी लल्लेश्वरी और सूफीज को इक्वेट करना एक कंट्राडिक्शन है, ये डिसंस्कृताइजेशन की प्रोसेस है। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने कश्मीर के इस संस्कृत ट्रेडिशन को फैलाया, जिसमें मैंने तो शमसुद्दीन अराकी वगैरह की बात की है अभी, लेकिन मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं यहाँ पे जिन लोगों ने कश्मीर को संस्कृताइज किया। अब बुद्धिज्म की बात आई, अब बुद्धिज्म को लेकर पूरे भारत में ये भ्रांति है कि इन्होंने जी सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई, और आज जब भगवान शंकर शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना की और एक पूरी तरह से सनातन धर्म को एस्टैब्लिश किया, लेकिन कश्मीर में बुद्धिज्म जब महायान बना उसको संस्कृताइज करने में कश्मीरी पंडितों का रोल रहा, ये हिस्ट्री क्यों नहीं लिखी जाती? ये जो से आप बार बार सिल्क रूट कहते हैं कश्मीर से होता हुआ जाता, अभी पीछे सरकारें आई उन्होंने कहा सिल्क रूट खोलिए। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट कोई सिल्क बेचने वाला रूट नहीं है, ये सूत्र रूट है। सूत्र रूट, यहां से पाणिनि के सूत्र, पतंजलि के सूत्र, कालिदास के सूत्र, बहुभूति के सूत्र, कुमार जीव और अश्वघोष के सूत्र पूरे सेंट्रल एशिया, खुरासान वेस्ट, आपके वेस्ट एशिया तक चले। ये लोग नहीं बताते कश्मीर की सीमाएं जो तोड़ी गई, उनको श्रिंक किया गया, आज की बात नहीं है। जो आपका आताताई है, जो हमलावर है, वो जानता है कि यदि भारत को तोड़ना है तो जम्मू कश्मीर को डिसंस्कृताइज करना होगा, हिमालय को डिसंस्कृताइज करना होगा। हुआ है, कश्मीर की सीमाओं को हमेशा श्रिंक किया गया। हमारी सीमाएं कहां तक है? ललितादित्य मुक्तापीद का आप जो समय देखिए 699 से 736 तक इनका जो रोल रहा, इन्होंने तुर्कों को हराया, ये तो कश्मीरी थे, हिंदू थे, आप कश्मीर से थे। ललितादित्य मुक्तापीर, इसको चाइनीज वहां के रिकॉर्ड्स में आज भी मुंह तोपी के नाम से जाना जाता है, और चाइना के राजा इनके साथ ट्रीटीज करते थे, इतना दबदबा था इनका उनके कोर्ट में, आज भी है। और उसके बाद कन्नौज तक, लद्दाख, बल्तिस्तान, पंजाब, जलंधर और कांगड़ा तक, और गोड प्रदेश जिसको आप बंगाल कहते हैं, वहां तक ललितादित्य मुक्तापीर का साम्राज्य था, और इन्होंने पूरे हिमालय को संस्कृताइज किया। ऐसे ललितादित्य का नाम नहीं लिया जाता। मुझे बड़ी खुशी है कि अभिनव गुप्त का नाम अब आगे आ रहा है, लेकिन एक दर्शन दार्शनिक के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर, लेकिन एक सेंटिनल के तौर पर जिसने भारत की सीमाओं को अक्षुण किया और ग्रेटर इंडिया का कंसेप्ट फ्रेक्टिफाई किया, वो ललितादित्य मुक्तापीद थे। क्योंकि जब एक राजा आपकी सीमाओं को निर्धारित करता, उनको सुनिश्चित करता, उनको सुदृढ़ करता, तो धर्म की उपलब्धि होती है, धर्म आगे बढ़ता है, आपका समाज आगे बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो इसी तरह से इन्होंने तो कन्नौज के राजा को भी हराया। तो कहने का मतलब, आज हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान अब हम समझते हैं कि डोगरा रूल में हमने जनरल जोरावर सिंह ने काम किया, लेकिन उसकी नींव ललितादित्य ने डाली, और कश्मीरी पंडितों और डोगरों ने हिमालय को संस्कृताइज किया है। और महाराजा रणबीर सिंह ने भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, महाराजा रंजीत सिंह ने जो सिख राजा थे, आपको एक मजे की बात सुनाता हूँ।
जब खालसा दरबार सिस और ट्रांसरिजन में काम हो रहा था, पंजाब की बाउंड्रीज हो रही थी और अफगानिस्तान को भी एक बफर बीच में मिला था अंग्रेजों को, तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनको एक मैप दिखाया गया उनके दरबारियों ने, एक बीच में स्पॉट हिमालय में खाली था, उन्होंने अपनी पंजाबी भाषा में कहा एक की है, तो उन्होंने बताया महाराज ये कश्मीर है। उन्होंने कहा अरे बेवकूफों ये खालसा दरबार से बाहर क्यों है, कहते जब तक ये खालसा दरबार में नहीं आएगा हमारी सीमाएं हिमालय में सुरक्षित नहीं होंगे। और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एक आंख से उनको नहीं दिखता था, वो कितने बड़े दार्शनिक थे। आज कल हमारे दो आंख वाले जो ये नैन सुख हैं उनको भारत की सीमाओं का ज्ञान नहीं, लेकिन उस दूरदर्शी राजा को देखिए जिसने कश्मीर के बारे में ये दृष्टि लगा ली कि अगर कश्मीर भारत की सीमाओं को उससे बाहर हुआ तो देश की हालत क्या होगी, जिसको हम अंग्रेजी में बैल्कनाइजेशन कहते हैं, डिसंस्कृताइजेशन विल लीड टू बैल्कनाइजेशन, और तभी हमारे शत्रु सुदृढ़ हो रहे हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। आशुतोष जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो कश्मीर से थे और जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनमें मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने कश्मीर को संस्कृताइज किया, और वो ज्ञान गंगा जो कश्मीर से हुई, कश्मीर के जटा मुकुट से, शिव जी के जटा मुकुट से उतरती हुई पूरे भारत को फर्टाइल करती गई, और आपके ट्रांस रीजन्स में जिसको आप सिल्क रूट का नाम देकर हमें दिग्भ्रमित कहते हैं कि वहां से इस्लाम आया, नहीं, यहां से सूत्र गए हैं, ग्रेटर इंडिया को हमने डिफाइन किया, उनमें पाणिनि, पतंजलि, कालिदास, बहुभूति, कुमारजीव, अश्वघोष, अभिनवगुप्त, उत्पलाचार्य, क्षेमेंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति, पद्मसंभव, शांतिदेव, विमलाक्ष, संगभूति, पुण्यार्ता और रत्नवर्ज, कमल अशला, कलहन, बिलहन, बान, अनंग, कितने नाम लू, हजारों की, 100-200 से ऊपर है। योगिनी लल्लेश्वरी तो आज की है, अलकेश्वरी माता रूप भवानी के बारे में लोग जानते नहीं, उसके बारे में देखिए उन्होंने तो मॉडर्न टाइम में क्या मिरेकल की है उस ट्रेडिशन को। जो ऋषि पीर हैं जिनको हम पीर पंडित पादशाह कहते हैं, किस तरह से आज की डेट में भी कश्मीर में जब आग लगी थी तो उनका एक एक खड़ा उड़ाल के उसको कैसे समाप्त किया, कि तो कहने की बातें हैं। या भगवान गोपीनाथ जी, इस टाइप के लोग। तो ये जो सारी धारणा है, मैं यहां पर ही नहीं रुकूंगा, एक और बात करूंगा कि हम जो हिस्ट्री के लिए मानदंड करते हैं, तो श्री अरविंद, महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, ये एक साउंड सिलेबल है जिसको आप आत्मसात करके उसको शब्दों का रूप देते हैं, रियलाइजेशन को, एक कोडेड फॉर्म है, इसमें सूत्र बंधे हैं, बीज हैं, संस्कृत शब्द बीज हैं, और आप संस्कृत इज अ नॉन ट्रांसलेटेबल, आपका ईश्वर गॉड नहीं हो सकता, आपका रिलीजन धर्म नहीं हो सकता, संस्कृत के नॉन ट्रांसलेटेबल्स हैं। एक सेमिटिक भाषा में एक इम्बेलेंस है, और उन्होंने ये भी कहा कि आप हाइपोथीसिस लगा के, रिसर्च मेथोडोलॉजी लगा के आप इनको प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके माइंड की फैकल्टी जो है वो माइंड से आगे नहीं देख सकती, माइंड इंटेलेक्ट पर काम करता है, इंटेलेक्ट इंफीरियर है, और उसके लिए आपको माइंड के दूसरे डायमेंशन सुपर माइंड बनाने पड़ेंगे, जब वो आत्मसात होंगे तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे। दूसरी बात ये, और अरविंद ने 1940 में कहा था, जिस तरह से आप कश्मीर के साथ डील कर रहे हैं, देखिए 1940 की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो वॉल्यूम 32 में आप देखिए क्या लिखते हैं महर्षि अरविंद। वो कहते हैं कश्मीर के बारे में जिस तरह से आप डिस्टॉर्शन कर रहे हो, किन कारणों से कर रहे हो, एक टाइम आएगा कश्मीर हिंदू मुक्त हो जाएगा, और 1990 में यही चीज। अच्छा, स्वामी विवेकानंद कश्मीर जाते हैं, उनको देखिए, उन्होंने शीर भवानी, अमरनाथ और बाकी तीर्थों के बारे में क्या लिखा, ये हिस्ट्री है, ये तो प्रैक्टिकलिस्ट को आप क्यों नहीं लाते करिकुलम में, हिस्ट्रोस्टी में। वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम तात्या राव के नाम से भी जानते हैं, सावरकर क्या कहते हैं, वो उनकी जो ऑफिशियल बायोग्राफी लिखी धनंजय कीर ने, उसमें वो कहते हैं कि कश्मीर का जो हिंदू है, आप हिंदू ही मान लीजिए, जो हिंदू है वो मूलतः एक अल्पसंख्यक नहीं है, वो भारत के सनातन प्रवृत्ति का मूल बिंदु है। वो समझते थे इस बात को, क्लियर किया उन्होंने, वे बार बार बात की उन्होंने। ये दो तीन दार्शनिक, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर, देश की सीमाओं के बारे में, कश्मीर के बारे में बिल्कुल क्लियर विजन रखते थे। तो कहने का मतलब है, ये कुछ नाम मैंने लिए, क्या इनके ऊपर काम हुआ है? मैंने तो 10-15 नाम गिनाए, नहीं। हमारी हिस्ट्री शुरू की जाती है 14वीं शताब्दी के बाद,
क्योंकि ये प्रॉब्लम है, खुल के बात करनी होगी तभी तो हम काउंटर नहीं कर पाते। हमारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम एक जो फ्रेमवर्क है नहीं बना पाते। हमें दुश्मन से सीखना चाहिए, बात खुल के करो तब बात होगी। दुश्मन से सीखना है कि उन्होंने एक झूठ का लबादा बनाया, उसको एकेडमिक परिवेश दिया और चले। हमारे पास सच है, हमारे पास हिस्ट्री है, लेकिन हमने उसके पैरामीटर नहीं बनाए। आशुतोष जी ने कुछ किताबों का जिक्र किया अभी, जिसका अभी नाम लिया, एक तो लैंग्वेज ऑफ बिलोंगिंग चित्रलेखा जुच्ची की, एक हिंदू रूलर्स मुस्लिम सब्जेक्ट्स मृदु राय की। ये दो बहुत ही खतरनाक लिटरेचर। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि आपके शक्ल में, मेरी शक्ल में लोगों को खड़ा किया जाता है। वो नाम से हमारे देश के हैं, हमारे धर्म के भी हो सकते हैं। जब आप अपने धर्म को कोसना शुरू करेंगे तो वो दुश्मन को सूट करता है, क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं कह रहा, वो कहेंगे आपके लोग कह रहे हैं, इसमें ऑथेंटिसिटी है, आप कह रहे हैं, तो उससे उस कॉस्ट बेनिफिट वॉरमैन को सूट करता है। फिर वो दूसरा स्टेप आगे चलते हैं, तभी तो एकेडमिक सबवर्शन हमारी यूनिवर्सिटीज में। आपका ढांचा बाहर से देखने में डेमोक्रेटिक लेकिन उसके अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन है वो इस कंस्ट्रक्ट की है, तो आपकी जो वो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं होगी। तो ये जो किताबें दो नाम मैंने लिया, आशुतोष जी ने शुरू में कहा था, तो इन किताबों के बारे में, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स टू अनहिंज जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम दी प्लेस कॉन्शियसनेस, भारत ही नहीं प्लेस कॉन्शियसनेस। तो ये कहते हैं सेपरेट आइडेंटिटी। अब महाभारत कालीन में देखिए, महाभारत में देखिए कश्मीर से कितने राजा लड़ने गए या नहीं गए, भगवान कृष्ण क्या संबंध रहा, लोग नहीं पता। अच्छा, कश्मीरी रामायण लिखी गई है शिवन कृष्ण रैना की, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें कुछ चीजों की, जगहों के नाम जो कश्मीर में है रामायण कालीन है, ये कैसे हुआ? एक बहुत बड़ी एक एकेडमिक सबवर्शन छलावा चल रहा है कश्मीर को अनहिंज किया जाए, तो ये हिस्टोरियोग्राफी में आना चाहिए। और लोग कहते हैं नहीं जी हिस्ट्री है, इसमें लेना देना। देखो, कई लोग कहते हैं पास्ट में क्यों नहीं जाना चाहिए, फ्यूचर देखिए। अरे भाई, पास्ट कैसे नहीं है? आपके पिता पास्ट हैं तो आप फ्यूचर है ना, अगर आपके पिता नहीं होंगे तो फ्यूचर कैसे होगा? पास्ट मेमोरी इज द शील्ड टू एकेडमिक ये सिविलाइजेशनल रिसर्जेंस। तो कहने का मतलब मैं ये कहूंगा आप सबसे, एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप प्राइमरी सोर्सेज की ओर जाइए, आप भूल जाइए, एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट रहे। नाम लूंगा मैं, इरफान हबीब, रोमिला थापर, अर्जुन देव, और नाम भूल रहा हूं मैं, डीएन जाकर के लोग, ये भारतीय हैं स्वरूप में, लेकिन इसके पीछे कौन सी फाउंडेशंस काम कर रही हैं ना, हमें ये देखना पड़ेगा। अभी एक सोरोस फाउंडेशन काम कर रही है, क्या हमने भारत में ऐसे थिंक टैंक जनरेट किए जो प्राइमरी सोर्सेज पर काम किया? आपको मैक्स प्लोर ने जो राजतरंगी के बारे में बताया वो आपने मान लिया, उन्होंने परमार्थिका निकाल लिया, व्यवहारिका रहने दिया। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, एक भ्रांति फैलाई गई ब्राह्मणिकल नॉन ब्राह्मणिकल, ऐसा नहीं है। ये एक सबवर्शन, डिस्टॉर्शन और तोड़ने की भाषा है। क्या ब्राह्मण का मतलब एक वो उच्च कुलीन बंदा है जो ब्राह्मण है? ऋग्वेद तो एक जगह सूत्र में कहता है कि भाई, उसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या, कहता मैं ये हूँ, मैं जन्म से मैं दोभी हूँ, मेरी माँ दोबन है, मेरा बाप तरखान है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। तो ऐसी चीजों को छुपाया गया। तो कश्मीर के संदर्भ में एक तो संस्कृताइजेशन क्या है, ये संस्कृत हिमालयाज क्या है, कश्मीर में संस्कृत और संस्कृति को योगदान क्या है, कश्मीर के लोग कौन हैं, कश्मीर की भाषा क्या है, प्लेस कॉन्शियसनेस क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो कश्मीरी पंडित को निकालना, ये डिसंस्कृताइजेशन का प्रोसेस था। इट वॉज एन असल्ट ऑन द संस्कृत सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। उन्हें पता था कि आप बीज को डिस्टॉर्ट करिए, बीज को खराब करिए और आपकी जो वेजिटेशन है खराब होगी। तो सिविलाइजेशनल पिरामिड को इन्वर्ट किया गया। हिस्टोरियंस को ये समझना होगा। अगर आप देखेंगे इस चीज को तो कई जो भ्रांतियां हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं, उनके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। तो आज की डेट में पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी और हिस्ट्री इंटरडिसिप्लिनरी, आजकल कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं, सोशियोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके जब आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जब वो बात करते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी कहते हैं नहीं इंटरडिसिप्लिनरी है, जब हम बात करते हैं हम कहेंगे आप, हम भी इंटर, नहीं 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 आप धर्म बीच में ला रहे हैं। और एक और बात जो मैं कहता हूं, क्या हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है? ये सुप्रीम कोर्ट की धारणा को लेकर कुछ लोग बड़े खुश होते हैं। एक सेमिटिक ट्रेडिशन में आप चीजों को डिफाइन करते हैं तो उसमें बड़ी परेशानी आती। हिंदू शब्द के लिए वीर सावरकर ने एक डिटेल ट्रीटाइज
हिंदुत्व में दिया हुआ, हिंदुत्व के पंच प्राण में, वो कहते हैं ऋग्वेदिक सूक्तों में भी आपको उन चीजों की झलक मिलती है कि हिंदू शब्द है क्या। सीमाएं हैं हमारी, हमारा एक सिस्टम है, प्लेस कॉन्शियसनेस है, वे ऑफ लाइफ, क्योंकि आपने सबवर्शन को अकोमोडेट करना है तो पैरिटी देनी है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत खंडित हुआ, देश की सीमाओं को तोड़ा गया और पैरिटी दी गई, कहा गया भारत दैट इंडिया दैट इज भारत। भारत एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है, 5,000 साल का ही है, पुरानों के हिसाब से तो हम बहुत आगे जाते हैं। तो वहां पर आप देखिए कि पाकिस्तान को पैरिटी देने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए आपने कहा हम भी आज पैदा हुए, नहीं, एक आर्टिफिशियल एंटिटी को एक ओरिजिनल एंटिटी नेगेट करती है खुद को। तो जहां पर ऐसा विरोधाभास हो, ऐसे धरातल पर देश की कैसी नींव रखी जाएगी। तो सबवर्शन शुरू हो गया, अनहिंज हुआ, फिर पिरामिड को इन्वर्स किया गया, कश्मीर में भी यही, वही समझना होगा। तो जब आप कश्मीर को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहते हैं, आप उसको सिविलाइजेशनल असॉल्ट नहीं मानते, आप उसको हिस्टोरिकल डाइल्यूशन नहीं मानते, तो यही होगा ना। तो हमने कितने प्राइमरी सोर्सेज, कितने बार हमारे रिसर्चर्स ने इस चीज को देखा, मुझे इस पर डाउट है। हम मृदु राय पर विश्वास करेंगे, हम अभिनव गुप्त के तंत्र लोक पर, अब तंत्र लोक केवल एक तांत्रिक सार नहीं है, तांत्रिक कृति नहीं है, उसमें कश्मीर के बारे में क्या लिखा हुआ आपने कभी पढ़ के देखा है, या हमने कभी पढ़ के देखा तंत्र सार में क्या लिखा है, कैसे वर्णन आया है? तो वो तो, और या नीलमत पुराण में ओरिजिनली क्या आया है, या आपके, हम ऑरल स्टेन के ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब ऑरल स्टेन का रिसर्च देखिए वो हमने नहीं किया। तो उसके बाद भी जब हम अपनी ओर से इंटरप्रेट करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। तो चैलेंज है कि कश्मीर की हिस्टोरियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए हमें एबिनिशो एक नई हिस्ट्री का निर्माण करना होगा, जो प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड हो, किसी एंग्लो एंजलिसाइज्ड वर्जन पर नहीं जिसका एक स्पॉन्सर्ड इंटेंट है। बहुत सारा काम हो चुका है बाहर, क्योंकि इस वेबिनार का वो इस समय वो रेफरेंस पॉइंट नहीं है, नहीं तो मैं उन विषयों पर जाता कि ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। 20 साल की प्लानिंग पेंटागन ने करके रखी है कि जम्मू कश्मीर को भारत से अनहिंज कैसे करना, लिमिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस करके एक किताब आई है आज से 5 साल पहले, और भी किताबें आई हैं। तो कहने का मतलब है इन चीजों को सतर्क रहना है, क्योंकि भारत में जम्मू एंड कश्मीर जो है ऊपर एक शिवालिक में बाउल की तरह है, जो हिमालय को कंट्रोल करेगा, जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करेगा, वो भारत के सारे, मतलब जो आपके नदियां हैं उनको, स्रोतों को कंट्रोल करेगा, पूरा एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जम्मू कश्मीर। और उनको पता है जम्मू कश्मीर टूटा, कश्मीर टूटा तो भारत को अनहिंज होने में टाइम नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं तो सीधा एक शब्द कहूँगा, जितनी जितनी आपने हमें बातों से अवगत कराया है, जितने तथ्यों से हमें परिचित करवाया है, वो हम सभी के ध्यान में नहीं थे। और सेमिनार का अर्थ भी यही होता है कि हमारी दृष्टि कितनी विकसित हुई। सेमिनार इसलिए एपीआई स्कोर्स के लिए नहीं होता, सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं होता, ये इसी तरह की बात के लिए होता है कि कहाँ हम संवाद कर सकते हैं, मनुष्यता के विचार की हम सीमाओं को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता को, हम विचार क्षमता को कितना बढ़ा सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे धन्यवाद, आपने देखे होंगे, आप देखिएगा भी कि बहुत सारे आपके लिए अच्छे कमेंट्स चैट बॉक्स में भी आए हैं, और आपसे सारे मित्रों की कृपा है। नहीं, ज्ञान का सभी जगह सम्मान होता है। मैडम का भी जिस तरह से बहुत ही तथ्यात्मक और सटीक था, उसी तरह से आपका एक विचारात्मक परिप्रेक्ष्य हमें देखने को सुनने को मिला है, और मैं आपका आभारी हूँ कि मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हुई, मेरी दृष्टि का विकास हुआ, और यही इसकी अपेक्षा भी है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर के एन पंडित पंडिता जी को, जो बहुत बड़े और बड़े सम्मानित हिस्टोरियन हैं, हम सभी के लिए आदरणीय हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सारे वैचारिक इतिहास को अपने में समेटने की, और वो हमारे साथ कैसे शेयर करते हैं ये उस विचार को जानने के लिए, समझने के लिए हम उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। लेकिन उससे पूर्व एक स्लाइड में शो जरूर करना चाहता हूँ, आपके साथ साझी करना चाहता हूँ कि बल्कि दो बातें, एक तो ये कि इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि संस्कृतज्ञों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि इतिहास को ठीक करें और इतिहासकारों को वो चुनौती भी दें। और चुनौती इस अर्थ में नहीं कि भी उनको हमने को ह्यूमिलेट करना है या उनके तथ्यों को गलत सिद्ध करना है, वो इसलिए कि एक संवाद विकसित हो, जो वो नहीं जानते उसके बारे में हम स्पष्टीकरण दें। और उसके लिए इनिशिएटिव संस्कृत के लोगों को लेना होगा, संस्कृत विभागों को लेना होगा कि वो इतिहासकारों के साथ बैठ करके बात तो करें, उनसे पूछे तो सही हिंदू शब्द का अर्थ आप कहाँ से क्या लेते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सारे ये स्लाइड नहीं आपके साथ शेयर कर रहा क्योंकि मुझे दो बातें पिछले कुछ वर्षों में जो समझ में आई इतिहास को लेकर के, कि जो टोटल इतिहास लिखा जा रहा है ये डॉक्टर रोमिला थापिर आदि और इरफान हबीब और ये जो एक ग्रुप सा है, उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं, उनका इंटेलेक्चुअल एरोगेंस और ह्यूमन प्रिजम्पशंस जो रही हैं जिसके आधार पे वो सेल्फ राइटियसनेस की बात करते हैं। तो टोटल इतिहास जो है वो इन दो परिप्रेक्ष्यों में ही सीमित होकर रह जाता है। अब उनका ये जो पक्ष है वो आप देखिए, ये मैं बहुत संक्षेप में कह करके और उसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ, कि टोटल इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं या लिखा जा रहा है या अभी तक लिखा गया है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक ये वो कहाँ से प्रभावित है कि ग्रीक में अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता था, तो टोटल इतिहास आप इस तरह का लिख रहे हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुई उनके आप एक सूची बना लें, उनकी एक लिस्ट बना लें, तो अब आपका इतिहास हो रहा है। दूसरी तरफ आपको बिब्लिकल ट्रेडिशन जो है जो डिसिप्लिन और कमांड फॉलोइंग को एक्नॉलेज करती है, इतिहास का वो दूसरा खूंटा है। उसमें क्या है कि देखो ये मसीहा आया, ये लीडर आया, इसने ये आपको कहा कि मैं तुम्हें बड़े स्वर्ग में ले चलूंगा और तुम्हें वो सारी चीज़ें दिलवा दूंगा जो वहाँ पर तुम्हें उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर के टोटल इतिहास इन दो खूंटों के बीच में बना हुआ है, जिनको चुनौती हम संस्कृत के लोगों को देनी चाहिए। और संस्कृत का जो दृष्टिकोण मुझे समझ में आता है वो तीन दृष्टिकोणों से इतिहास लिखा जाना चाहिए। पहला तो पार्थिव दृष्टिकोण है। पार्थिव दृष्टिकोण का मतलब है कि हम लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जो कुछ लिखा जा रहे हैं, जो सामान्य रूप से जिसको हम इतिहास की सामग्री कहते हैं वो है। लेकिन शाश्वत उसका पक्ष क्या है कि जो पीछे से चला आ रहा है उसको असिमिलेट कैसे किया, उसको असिमिलेशन प्रोसेस में वो लाए कि नहीं लाए, और वो आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये साथ ही साथ एस्टेब्लिश करना होगा इतिहास में। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि वो वैल्यू सिस्टम क्या एस्टेब्लिश कर रहा है। अगर इतिहास में वो वैल्यू सिस्टम को वो एस्टेब्लिश नहीं क्लियरली डिफाइन करते तो मुझे लगता है कि इतिहासकार बहुत बड़ी ज्यादती इस देश के साथ, मनुष्यता के साथ, संस्कृति के साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार हमें दोबारा बैठना होगा संस्कृत के लोगों को, इतिहास के लोगों को, और बैठ करके दोबारा से इस सारे इतिहास को पुनः विश्लेषित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर काशीनाथ पंडिता जी को कि वो मंच पर आए, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपनी बात हमारे साथ साझी करें। बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज अपना वो माइक ऑफ कर दीजिए। प्रोफेसर पंडिता जी, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? देख रही राजीव प्रोफेसर पंडिता जी, सर प्रोफेसर काशीनाथ जी, सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, अब लाउड एंड क्लियर है। आप वीडियो भी प्लीज ऑन करें, हम आपको देख पाए। मेरा मैं आपको देख नहीं पाया और मैं चाहता हूँ कि आपको भी मैं देख पाऊँ। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सर। अच्छी बात, ठीक है जी सर। सबसे पहले मैं अम्बाला एएसपी कॉलेज के संस्कृत डिपार्टमेंट और उनके साथ जुड़े हुए कुछ और संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन, आप सब लोगों का आभारी हूं कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन इतिहास के बारे में बुलाया है और उसमें बहुत प्रसिद्ध स्कॉलर जैसे
डॉक्टर वर्षा जी हैं और डॉक्टर महेश कौल जी हैं और खुद आप हैं, आप सब लोग सहमत हो गए हैं कि कश्मीर के इतिहास के बहुत से पहलुओं को सामने लाया जाए। मेरे लिए आपने विषय रखा है हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मैं इस सम्मेलन का एहतमाम करने वालों का स्वागत करता हूं और कश्मीर के हिंदू इतिहास के बारे में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसके सोर्सेज क्या हैं। कश्मीर के बारे में बहुत से लोग या तो 1947 के बाद कुछ ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा हुआ तो दो तीन नाम उससे पहले के याद करते हैं और बात आई गई हो जाती है। जिन लोगों ने कश्मीर पर लिखा, मैं बहुत से हिस्टोरियन की भी बात करता हूँ जो अपने आप को हिस्टोरियंस कहलाते हैं, मुझे बड़ा शक है कि आया उन्होंने कभी भी, सारे तो नहीं, कुछ ही फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ कश्मीर एंशिएंट कश्मीर हिस्ट्री को पढ़ा या नहीं पढ़ा, गालिबन नहीं पढ़ा। इसलिए उनकी सोच बहुत महदूद है। हमें कश्मीर का सही तरह से इतिहास जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज को देखना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कल्हण पंडित की राजतरंगिणी है। मैं उसको ही सोर्स नहीं मानता, बल्कि पंडित कल्हण ने कम से कम 11 सोर्सेज का वर्णन किया है, बताया, नाम लिया है, और उनमें एक नीलमत पुराण भी है जिसका उसने, इसकी स्टडी उसने की। शायद ये भी कहता है कि उनमें से कुछ सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे और उसकी वजह वो ये बताता है कि सूरता यानी उस जमाने में एक ये ट्रेडिशन थी कि कई एपिक्स को, काव्यों को छोटा बना करके एक काव्य में बना डाल देते थे और आम लोग उसी को पढ़ करके ये समझते थे कि यही इतिहास है। और इस तरह से कल्हण कहता है कि वो बाकी इतिहास के जो थे, सूत्र थे, सोर्सेज थे, वो समय के गुजरने के साथ नष्ट हो गए, हम तक नहीं पहुंचे। लेकिन छवलाकर का वो वर्णन करता है और नीलमत पुराण का नाम लेता है कि ये मेरे पास थे। हम बुनियादी तौर कश्मीर के प्राचीन इतिहास के सोर्सेस के लिए इन चार बातों को ध्यान में रखना हमें पड़ेगा। एक तो हमारे पास संस्कृत सोर्सेस, दूसरे फारसी के सोर्सेस, तीसरे अंग्रेजी या फ्रेंच सोर्सेस। ये तीन मेन सोर्सेस हैं जहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं एंशिएंट कश्मीर की हिस्ट्री। जहाँ तक संस्कृत के सोर्सेस की बात है तो उसमें इन सोर्सेस का हवाला सबसे ज़्यादा हमें राजतरंगिणी से ही मिलता है और राजतरंगिणी के सोर्सेस के लिए हम न सिर्फ कल्हण पंडित के आभारी हैं बल्कि
हम स्टाइन के भी आभारी, क्योंकि जो काम स्टाइन ने किया, जो रिसर्च स्टाइन ने की, और जिस तरह से उसने एक एक पहलू को सामने लाया और उन पर इतनी बहस की, उन पर डिस्कशन किया, वो मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा कारनामा है। हम उसको कभी भुला नहीं सकते। हमें अफसोस इस बात का है, खेद इस बात का है कि आजकल के कश्मीर के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में बहुत से अब लोग उभर कर ऐसे आए हैं जो कलहन को नकारते हैं, जो राजतरंगिणी को नकारते हैं, और इसको एक अफसाना कहते हैं, एक टेलटेल कहते हैं। इतना ही नहीं, आज से 2 साल पहले श्रीनगर में एक साहब ने, शायद वो ब्यूरोक्रेटी थे, एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कलहन की कहानी बिल्कुल झूठ है और राजतरंगिणी में जो कुछ है ये सब मनगढ़ंत है। इतना ही नहीं, उस सम्मेलन में उस किताब के रिलीज करने के समय पर, अवसर पर, बहुत से कश्मीर के बड़े ब्यूरोक्रेट्स जमा हो चुके थे। उनमें से बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। इन लोगों ने हाँ में हाँ भर ली और ये अभियान, इसको राजतरंगिणी को डिवैल्यू करने का, बड़े जोर शोर से जारी। इस बात का मुझे खेद नहीं, खेद इस बात का है कि इन लोगों ने राजतरंगिणी पढ़ी ही नहीं, इन लोगों ने स्टाइन की नोट्स पढ़े ही नहीं, इन लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट कश्मीर जो चैप्टर ऐड किया स्टाइन ने, उसको पढ़ा है। शायद अगर पढ़ा भी हो, क्योंकि राजतरंगिणी के पढ़ने से इन्हें मजबूरन अपने सोर्सेज ओरिजिन तक जाना पड़ता है, अपने ओरिजिन्स को जानना पड़ता है, जानने की ज़रूरत पड़ती है, और ये उस ओरिजिन्स में जाना नहीं चाहते, इसलिए राजतरंगिणी को ही नेगेटिवेट करना चाहते। ये एक बड़े खेद की बात। संस्कृत सोर्सेस में हमारे पास एक तो वो पुस्तकें हैं जो कलहन तक पहुंची थी। इसके अलावा कलहन पंडित ने दो और सोर्स से बहुत ज़्यादा काम किया। एक सोर्स उसका एपिग्राफिक एविडेंस है। प्राचीन कश्मीर में राजाओं ने जहाँ भी मंदिर बनाए या विहारा बनाए या स्तूपा बनाए या कोई तीर्थ की नींव डाली, उन लोगों ने अक्सर वहाँ एक पत्थर की स्लैब पर बनाने वाले का नाम, राजा का नाम, संवत और कुछ और डिटेल्स वहाँ लगा था। ये एपिग्राफी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है और इसको ओरिजिनल सोर्स में माना जाता है। कलहन ने बड़े विस्तार से लिखा है कि मैं एक एक मंदिर पर और एक एक विहारा पर जाकर मैंने अपने आप उन लिखे गए स्लैब्स को पढ़ा और उनको नोट किया और उनका ट्रांसलेशन, चाहे वो संस्कृत में थे या शारदा में थे, उनका इस्तेमाल। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो नॉर्मली आजकल के ज़माने में रिसर्च में आम लोग इसको बड़ी अहमियत देते हैं, महत्वपूर्ण होता है इसका। दूसरी बात जो उसने की वो ट्रेडिशन थी।
कश्मीर की ट्रेडिशन सीना ब सीना चलती आ रही है हजारों साल से। अलहन ने अपनी तारीख तकरीबन 3624 साल पहले शुरू की और लगभग 4000 साल की हिस्ट्री और 4000 साल का जो ट्रेडिशंस जो थी कश्मीर के लोगों में, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चली आ रही थी, रिचुअल्स थे, मंत्रास थे, हिम्स थे, बाकी सब चीज़ें थी, यात्राएं, तीर्थों में जाना, ये सब कुछ जो था इस ट्रेडिशन से कलहन ने काम लिया और तब जा कर के उसने अपनी हिस्ट्री को बनाया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी सोर्सेज कलहन ने काम में लाए हैं वो बहुत ही ईमानदारी से, ऑनेस्टी से उसने जमा किए थे। और खुद कलहन लिखता है, इंट्रोडक्शन में लिखता है कि एक हिस्टोरियन का काम है कि बगैर बयास के, हेलो जी, बगैर बयास के, बगैर पार्शलिटी के वो इवेंट्स को प्रेजेंट करें। ये खुद उसने एस्टैब्लिश किया है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इसलिए हमें हर तरह से कलहन की राजतरणी को बड़ी अहमियत देनी होगी। हम इंग्लिश सोर्सेस की तरफ भी देखना चाहें। अब इंग्लिश सोर्सेस जो हैं वो कश्मीर के हवाले से बाय एंड लार्ज ट्रैवलॉग्स से, ट्रैवल अकाउंट्स से, और वो 17वीं-18वीं सदी से शुरू होते हैं, क्योंकि एक कॉलोनियल रूल था और वो लोग चलते आते थे और घूमते थे, कॉलोनियल पावर्स उनको सपोर्ट भी करते थे। उसको छोड़ करके इन लोगों ने कश्मीर की एंशंट हिस्ट्री नहीं लिखी, अलबत्ता उन्होंने अपने ट्रैवल्स के दौरान जहाँ जहाँ भी वो गए, जहाँ जहाँ भी उनने कोई पुरानी रुइंस देखी, टेंपल्स देखे, जो भी आर्किटेक्चर के नमूने देखे, इन सबों को रिकॉर्ड किया और उसके बारे में वो लिखते गए। और क्योंकि उन्हें बड़ी सहूलियत थी पब्लिश करने की, तो उनके रिपोर्ट्स पब्लिश होते गए। संस्कृत सोर्सेज में सबसे, वेस्टर्न हिस्टोरियंस में सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया गया वो बोहलर ने। बोहलर जर्मनी का बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत विद्वान था, जो कश्मीर आया था 1870 के आसपास, और उसने एक अजीब काम किया। वो ये था कि जितने भी संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स उसको मिले ढूंढ ढांड करके, उनको इकट्ठा करके उसने बर्लिन पहुंचा दिया और वहाँ म्यूजियम में उनको महफूज रखा, जो आज तक बहुत ही एहतियात से रखे गए हैं। और स्टाइन ने भी बहुत बार ये जिक्र किया है कि मुझे इस मनुष्य को देखने का अवसर मिला और मैंने सर्टिफाई किया, क्रॉस एग्जामिन किया और तब जा करके मैंने एस्टैब्लिश किया। ये बहुत बड़ा एक सोर्स आज तक हमारे पास मौजूद है और मैं समझता हूँ कि हमारे संस्कृत और हिस्ट्री के स्कॉलर्स जो हैं उन्हें स्पेशल एक स्पेशल स्कीम होनी चाहिए ताकि बोहलर के इकट्ठा किए गए मैनुस्क्रिप्ट्स को बर्लिन में जा कर के उनकी स्टडी करें, रिसर्च करें, न सिर्फ कश्मीर के बारे में बल्कि पूरे भारत के बारे में। अंग्रेजी के एक और सोर्स हैं कोल, एन कोल। उसने एंशिएंट बिल्डिंग्स ऑफ कश्मीर के नाम से एक बड़ी रिसर्च किताब
किताब लिखी। ये किताब अवेलेबल है और इसमें उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स का, ऐसे तीर्थों का, ऐसी रूइंस का पूरा वर्णन किया है जिसका जिक्र हमें राजतरंगिणी में मिलता है और कोरोबोरेट होता है। स्टाइन ने उससे भी बहुत काम लिया है और उनको डिफाइन करने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टाइन ने बहुत कोशिश की है, जिससे हमारे प्राचीन इतिहास पर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है। तीसरा आदमी कनिंघम है। कनिंघम ने, जॉर्ज कनिंघम ने एंशंट ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर ऑफ इंडिया, सॉरी एंशंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें कश्मीर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कनिंघम ने पर्सनली जाकर व्यक्तिगत से बहुत जगहों को देखा कश्मीर में, उनका वर्णन किया, उनको रिकॉर्ड किया और एस्टैब्लिश किया कि ये किस डेट के हैं, किस राजा के ज़माने के बनाए हुए हैं और इनकी ट्रेडिशन क्या है। ये किताब भी आज तक हम तक बहुत ऊंची है और बहुत सारे लोग आज भी इससे बहुत ही फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एलियट और डार्सन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया ली और उसमें कश्मीर की एंशंट हिस्ट्री का भी आखिरकार डिटेल उसने डाल दी। जो ट्रेवल अकाउंट्स हैं उनमें ड्रू की हिस्ट्री और मूर क्राफ्ट की, हालांकि मूर क्राफ्ट लेटर पीरियड का है लेकिन ड्रू और मूर क्राफ्ट दोनों को मिला करके जो भी मटेरियल हमें मिलता है वो कश्मीर की एंशंट हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण। चाइना के एक दो ट्रैवलर्स ने भी कश्मीर के बारे में लिखा है, युनसांग, होकोंग, ये लोग 7th-8th century में कश्मीर आए एज ट्रैवलर्स, एज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स आए और बुद्धिज़्म की स्टडी के लिए वो कश्मीर में कुछ देर तक रहे और ये हिस्ट्री पूरी दी। तो बुद्धिस्ट पार्ट जो कश्मीर की एंशंट हिस्ट्री का है उसका ऑथेंटिक सोर्स हमें इन चाइनीज की ट्रैवलर्स की रिकॉर्ड से मिलता है। और बहुत ही एक और महत्वपूर्ण किताब अंग्रेजी में विल्सन की है, उसने एसेज के नाम से एक किताब लिखी, एसेज ऑन कश्मीर, एसेज ऑन विल्सन ने